पटना फाइल्स। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पटना के एक गांव में 400 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। इतिहास की किताबों में हमें ये कभी नहीं बताया गया कि 1946 में पटना से 40 किलोमीटर दूर नगर नौसा नाम के एक गांव में सेना ने गोलियां चलाकर करीब 400 हिंदुओं को भून डाला था, और ये सब हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये देश 1947 में आजाद हुआ तो इसके एक साल पहले यानी 1946 में पंडित नेहरू के इशारे पर सेना आखिर कैसे गोली चला सकती है। दरअसल आपको ये पता होना चाहिए कि 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया था जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी नेहरू उस वक्त भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन। पटना फाइल्स, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पटना के एक गांव में 400 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। इतिहास की किताबों में हमें ये कभी नहीं बताया गया कि 1946 में पटना से 40 किलोमीटर दूर नगर नौसा नाम के एक गांव में सेना ने गोलियां चलाकर करीब 400 हिंदुओं को भून डाला था, और ये सब हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये देश 1947 में आजाद हुआ तो इसके एक साल पहले यानी 1946 में पंडित नेहरू के इशारे पर सेना आखिर कैसे गोली चला सकती है। दरअसल आपको ये पता होना चाहिए कि 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया था जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी नेहरू उस वक्त भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन।